मॉर्निंग एवरीवन. यस यस रिद्धिका, वन मिनट. सो बेटा लेट्स कंटिन्यू विद एक्सरसाइज 4.3. यस्टरडे वी लर्न हाउ टू मेक द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, राइट? सो टुडे वी हैव टू डू क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सरसाइज 4.3. Give the equations of two lines passing through 2, 14. How many more such lines are there and why? See, now we have this question. What is given to us? We have been given the coordinates 2, 14. 2, 14. It means what? It means the value of x is 2 and value of y is 4, right? Now what we have to do? We have to make the equations जिसमें ये value satisfy हो, जिसमें ये value satisfy हो. We have to make the equation ourselves. What we will do? आप कोई भी value ले लो, जैसे left hand side पे मैंने लिया x plus y. What is x plus y? ध्यान से सुनना. X plus y किसके बराबर है? 2 plus 14, 16. So I will write means, अब देखो अगर हम orally values put करते हैं, x की value 2, y की value 14, x plus y 16 आ गया. Means whatever the equation we are making, it should satisfy the given coordinates. And obviously beta, if we are taking the left hand side from our side, like if I take 2x plus y, ठीक है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड अपने आप लिया 2x plus y, इसमें मैं क्या करूंगी, मैं अब जो x और y की वैल्यूज है वो हम फिल करेंगे. 2 into 2 plus 14. 4 plus 14 is 18. It means I can write 2x plus y is 18. And yes, 2 to the 4, 4 plus 14, 18. वो 18 है. ऐसे ही सिंपल ले लो, x माइनस y क्या है, 2 माइनस 14 दैट इज माइनस 12, माइनस 12. कुछ मर्जी आप कुछ मर्जी ले सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में. लेफ्ट हैंड साइड अपनी तरफ से लेते जाओ, x और y की वैल्यू फिल करो, राइट हैंड साइड जो आएगा वो उसके इक्वल लिख दो, एनीथिंग. सो हाउ मेनी इक्वेशंस वी कैन मेक? वी कैन मेक इनफाइनाइट इक्वेशंस. x plus y, x minus y, 2x plus y, 3x plus y, 2x plus 2y, 3x plus 2y, 4x plus 5y, anything. 4x plus 5y. 4 into 2 plus 5 into 14. 8 plus 78. So, एक और equation बन गई. ठीक है, सो राइट डाउन दीज इक्वेशंस. गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस. एक इक्वेशन का मतलब होता है, जैसे हमने कल सीखा था, एक इक्वेशन से कितनी लाइन बनती है, एक लाइन. एक इक्वेशन से एक लाइन. तो टू लाइंस मीन्स वी हैव टू मेक टू इक्वेशन, जितनी मर्जी बनाते जाओ. हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर? राइट डाउन. There are infinite. There are infinite lines passing through the given points 2, 15. Anjali Ritika, bolo. मैम हमारा क्वेश्चन तो x plus y था, तो हमने 4x 5y कहाँ से ले लिया? x plus y का कहाँ है हमारा क्वेश्चन, कहाँ पे लिखा है? मतलब उन्होंने हमें सिर्फ 2 और 14 दिया था, तो हमने 4 और 5 अपने आप ले लिया. उन्होंने बेटा 2 और 14 दिया ना, हम लेफ्ट हैंड साइड कुछ भी ले सकते हैं. x plus y ले लो आप, x minus, वही तो बोल रही हूँ आपको.
आपने लेफ्ट हैंड से x plus y लेना ये कहीं लिखा तो नहीं, क्योंकि वो सिंपलेस्ट होता है इसलिए हमने वो सिंपल लिया कि x plus x और y को प्लस करके क्या है, ये 16 कहीं गिवन है नहीं गिवन ना, ये हमने लिखा है कैसे, हमने x और y को प्लस किया 16 आया, तो हमने खुद बनाई है ये इक्वेशन कि x plus y क्या होता है 16, x minus y कितना होता है 2 minus 14 minus 12, तो x minus y minus 12 means ये इक्वेशन हमने खुद बनाई है। तो आप ऐसे कितनी इक्वेशन बना सकते हो, इनफाइनाइट, कैसे, जो मर्जी लेफ्ट हैंड साइड लेती जाओ, 2x plus y, 3x plus y, y के जितनी जो मर्जी कोफिशिएंट ले लो, 3x plus 7y, इनफाइनाइट। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया जिसमें आपने x और y को इन्वॉल्व किया, x की वैल्यू डाली, y की वैल्यू डाली, कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करके जैसे भी जो भी राइट हैंड साइड आएगा उसकी वैल्यू, वो वैल्यू लिख दो, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमने इक्वेशंस खुद बनाई हैं, उन्होंने बोले मेक टू लाइंस, टू लाइंस मींस मेक टू इक्वेशंस, सो यू कैन मेक इनफाइनाइट इक्वेशन, जो यू कैन टेक एनी वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड में जो मर्जी आप टर्म्स ले लो, वही आपको बता रही हूँ, x plus y ले लो, 2x plus y ले लो, 3x plus y ले लो, बस x की जगह पे x की वैल्यू, y की जगह पे y की वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करके जो राइट हैंड साइड रहेगा इक्वल टू वो लिख देना, फाइन। हाँ जी, इज इट क्लियर, यस और नो, यू हैव द ऑप्शंस इन योर फोन टू रिप्लाई, यस है ना बेटे, जस्ट गिव द रिस्पॉन्स, then only it feels that it is clear to you all, and if you have any doubt then just raise your hand. Now next question number 3, if the point 3, 4 lies on the graph of the equation this, find the value of a. So this you will do yourself, it is very easy, x or y ki value is given hai and one equation is given to you, what you have to do, you have to fill the value of x and y और a की वैल्यू निकालनी है, जैसे कल हमने k की वैल्यू निकाली थी, ठीक है, करो सॉल्व। हाँ जी, एक ही वैल्यू आ गई बेटा, फाइव बाय थ्री, यस रिदिका, मैम आंसर ही देना था, फाइव बाय थ्री, सो द आंसर द वैल्यू ऑफ ए इज 5/3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, very important question, let's read out. The taxi fare in a city is as follows. For the first kilometer, ध्यान से सुनो, for the first kilometer, the fare is rupees 8 and for the subsequent distance, it is rupees 5 per kilometer. Suppose we have to go anywhere. हमने taxi hire की, मान लो हमने 4 किलोमीटर डिस्टेंस तक ही जाना है, बारिश है हमने 4 किलोमीटर डिस्टेंस तक जाना है, हमें कैब हायर करनी, ठीक है, व्हाट आर द टैरिफ, क्या है उसके चार्जेस का सिस्टम, दैट फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द चार्जेस आर रुपीज 8, ठीक है, एंड फॉर द नेक्स्ट सब्सिक्वेंट डिस्टेंस मीन बाकी के जो किलोमीटर हैं उसके चार्जेस क्या है, रुपीज 5 पर किलोमीटर, मीन्स मान लो अगर आपने 2 किलोमीटर जाना है तो आप कितनी मनी दोगे, कितनी दोगे, 8 प्लस 5
13 rupees. अगर आपने 4 kilometers जाना है तो आप कितने दोगे? फॉर द फर्स्ट किलोमीटर 8 rupees है ना, और बाकी के जो 3 kilometers हैं 5 into 3 that is 15, 8 plus 15 23 rupees. समझ आ गई बात? Now taking the distance covered as x kilometer and total fare as rupees y, write a linear equation for this information and draw its graph. ऐसे questions आते हैं usually, जिसमें equation भी खुद बनानी है फिर graph बनाना है. देखिए बेटा, अब उन्होंने बोल दिया इस question में कि आप distance covered तो क्या लोगे x, और टोटल मनी, टोटल फेयर मीन टोटल चार्जेस पेड व्हेन यू आर हायरिंग द टैक्सी, वो कितना है y. अगर नहीं लिखा तो आपकी मर्जी है, आप किसी को भी x और किसी को भी y ले सकते हो. पहले इधर समझो, अब टोटल फेयर कितना है समझना है, लिखना कुछ नहीं है अभी, मैं लिखवाऊंगी फिर लिखना. टोटल फेयर इज y, टोटल डिस्टेंस कितना है x. अभी तो समझो, मैंने टोटल मनी पे की, मुझे नहीं पता कितनी, लेकिन हम अपने क्वेश्चन में ले रहे हैं कि मैंने कितनी मनी पे की y, किसके लिए मैंने, एंड व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड. लुक हियर, डिस्टेंस कवर्ड कितना है टोटल x. नाउ व्हाट अबाउट द चार्जेस. देखो फर्स्ट किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए, फर्स्ट 1 किलोमीटर के लिए मैंने कितने रुपीज दिए, 8 प्लस 5 into टोटल डिस्टेंस कितना है x. अगर 1 किलोमीटर के रुपीज 8 दे दिए तो मतलब टोटल में से 1 किलोमीटर माइनस हो जाएगा, है ना, टोटल में से 1 किलोमीटर माइनस हो जाएगा. तो 5 रुपीज हमने कब दे, किस डिस्टेंस के लिए देनी है, x माइनस 1. जैसे इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में हम कितने किलोमीटर की बात कर रहे थे, टोटल 4 किलोमीटर की, 4 किलोमीटर की बात कर रहे थे. टोटल मनी कितनी भी है, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर वी गेव रुपीज 8 प्लस 5 रुपीज कितने के लिए दिए, जो टोटल डिस्टेंस है उसमें से 1 किलोमीटर हमने माइनस किया, मींस 4 माइनस 1 था तभी 3 आया. यहां पर तो हमने अज्यूम कर लिया that the total distance is 4, means we have taken an example, but here in our question the total distance given is x, the total distance given is x. So what will be the equation, y is the total fare, 8 are the rupees for the first kilometer. Jab 1 kilometer ke liye humne 8 into 1 for 1 kilometer ka humne 8 rupees de diye, बाकी का कितना बचा, टोटल में से 1 किलोमीटर निकल गया, कितना डिस्टेंस बचा, टोटल x है उसमें से 1 किलोमीटर माइनस कर देंगे, व्हाट इज द डिस्टेंस, x माइनस 1, और बाकी के जो सबसीक्वेंट मतलब जो बाकी का डिस्टेंस बच गया 1 किलोमीटर को छोड़ के, उसके लिए हम कितनी मनी दे रहे हैं पर किलोमीटर रुपीज 5. तो ये हमारी इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे. इक्वेशन सबको समझ आ गई? हाँ जी धीरेन. मैम y डिस्टेंस है 8 रुपीज है 1 किलोमीटर के लिए, तो 5 x माइनस 1 क्या है? सारी कहानी मैंने धीरेन सुना दी अभी. 5 क्या है, इट इज द कॉस्ट. आर यू नॉट लिसनिंग धीरेन, सुन रहे हो, इतना बता दो मुझे, सुन तो रहे हो ना? यस मैम. हाँ तो 5 रुपीज क्वेश्चन में गिवन है बेटा, 5 रुपीज है 1 किलोमीटर को छोड़कर बाकी के जो किलोमीटर हम कवर कर रहे हैं, हर 1 किलोमीटर के लिए कितनी मनी देनी पड़ रही है, रुपीज 5. अब x माइनस 1 क्या है, x माइनस 1 इज द डिस्टेंस कवर्ड. x माइनस 1 क्यों किया है, क्योंकि 1 किलोमीटर के लिए बेटा हमने 8 रुपए दे दिए, वी हैव गिवन 8 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर ट्रेवल्ड. मान लो मैंने जाना है इधर,
20 किलोमीटर्स आई हैव टू गो, 20 किलोमीटर्स हम अपना एक्स अज्यूम करते हैं 20, ठीक है, एंड टोटल फेयर मनी मुझे नहीं पता मैंने कितनी दी, मान लो वाई रुपीज दी, ठीक है। व्हाट इज द सिस्टम, सिस्टम है कि अगर मैंने 20 किलोमीटर जाना है तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए मुझे कितनी मनी देनी पड़ेगी, 8 रुपीज। इससे जब हमें टोटल डिस्टेंस पता चल गया फिर तो मनी हम इजीली कैलकुलेट करते हैं, लेट अस कैलकुलेट हाउ मच मनी आई हैव पेड इफ आई हैव टू ट्रैवल 20 किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर के लिए अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन इन अवर क्वेश्चन, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर हाउ मच मनी आई हैव टू पे, कितनी पे करनी है, 8 रुपीज। तो 8 into 1 is what now? This is the distance traveled. कि 1 किलोमीटर के लिए मैंने दे दिए रुपीस 8 प्लस, अब मैं दे रही हूँ 5 रुपीस, 20 में से 1 किलोमीटर निकल गया तो बाकी 5 रुपीस मैंने कितने किलोमीटर के लिए देनी है, 19। ये 19 कैसे आया, 20 minus 1 मतलब x माइनस 1, जो टोटल डिस्टेंस है उसमें से 1 को माइनस कर दिया। इसी तरह से हमारे उस क्वेश्चन में y इज इक्वल टू 8 into 1 प्लस 5 रुपीज आई एम गिविंग फॉर द सब्सिक्वेंट किलोमीटर्स व्हिच आई हैव कवर्ड, वो कितना है x, मतलब जो टोटल हमने डिस्टेंस कवर करना है उसमें से 1 किलोमीटर माइनस कर दिए, x माइनस 1, ठीक है। अब समझ आ गई बात, सिंपल सा लॉजिक है कि पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपीज दे दिए, बाकी का डिस्टेंस बचा कितना, टोटल डिस्टेंस जो है उसमें से 1 किलोमीटर माइनस कर देंगे, दैट इज एक्स माइनस 1, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जितना हर एक किलोमीटर की कॉस्ट है 5 से। एनी डाउट, इज इट क्लियर? सो राइट डाउन, let the total distance covered is equal to x kilometer, let me karna सीधा लिखो क्योंकि ये गिवन है, जो चीज गिवन है फिर उसको हम लेट नहीं करेंगे। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर, टोटल फेयर इज रुपीज वाई, मनी गिवन फॉर फर्स्ट किलोमीटर, ये भी लिखना जरूरी नहीं है, ये सेकंड वाला टाइम मनी गिवन फॉर फर्स्ट किलोमीटर, सीधा इक्वेशन बनाओगे देन आल्सो इट इज ओके। सो 8 into 1 कैसे लिखा, टोटल मनी गिवन इज वाई, 8 into 1 लेट्स सॉल्व इट, 8 plus 5 into x 5x minus 5 into 1 is 5, सो वाई इज इक्वल 8 minus 5 3, नोट डाउन एंड आई विल रब इट, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन।
देन नाउ वी हैव टू मेक द टेबल. पुट x इज इक्वल टू 1 y a y is equal to 8. So this you can do orally also. I'm going to rub these two lines. So when x is 1, what is the value of y? 8. When x is 2, dekho, 2 5s are 10, 10 plus 3, 13. Ab dekho, when x is 3, 3 5s are 15, 15 plus 3, 18. Bahut badi badi values aa rahi hai na. To hume kya karna padega? Apne graph ko 18 tak le jana padega. Fir 4 put karenge to 23 tak le jana padega. So let's put the value in negative. X 0, 0 se start karenge. ये लो स्टार्ट ही जीरो से कर लेते हैं. व्हेन एक्स इज 0 y इज 3. व्हेन एक्स इज 1 y इज 8. व्हेन एक्स इज माइनस 1. व्हेन एक्स इज माइनस 1 y इज व्हाट? 3 प्लस 5 into minus 1, 3 minus 5 minus 2. तो देखो आपका ग्राफ ना फिर पास पास में बनेगा, बहुत दूर पॉइंट प्लॉट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. लाइक व्हेन x इज माइनस 1 y इज माइनस 2 एंड सिमिलरली व्हेन x इज माइनस 2. आपकी मर्जी, आप पॉजिटिव वैल्यूज भी पुट कर सकते हो. व्हेन x इज माइनस 2 y is 3 plus 5 into minus 2, 3 minus 10, minus 7. What we get? Minus 7. एक और चीज, जब हमने ग्राफ बनाना ना बेटे, इधर देखो. मान लो आपका टेबल, आपकी वैल्यू किस तरह से आती है कोई टेबल में, समझो एक बात मेरी, जिसमें आपने x पे 1 पुट किया, y आया 5, 2 किया तो आया 15, 3 आया तो आया 20, ऐसे ही जनरल ले रही हूँ मैं, 10 ले लो है ना, 4 आया तो आया 40. सपोज ये आपकी वैल्यूज आती हैं 5 10. तो आपने क्या किया, x x डैश पे आप ले लो 1 2 3 4, तो इधर माइनस 1 1 का डिस्टेंस, और वाई एक्सिस पे आपने देखा मैक्सिमम कहाँ पहुंच रहा है, 40 पे. तो 1 1 का डिस्टेंस लेके तो ग्राफ बनेगा ही नहीं. तो आप क्या कर सकते हो, टेक द डिस्टेंस ऑफ 5 5, एंड इफ यू आर टेकिंग द डिस्टेंस ऑफ 5 ऑन द अपर साइड ऑफ वाई एक्सिस, देन ऑन द लोअर साइड ऑल्सो यू हैव टू टेक द डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स. मीन्स हियर व्हाट आई वांट टू से, ये जरूरी नहीं है कि अगर x एक्सिस पे आपने 1 1 का डिफरेंस लिया है तो y एक्सिस पे भी आप 1 1 का ही लो. x एक्सिस पे जो डिफरेंस है वो कुछ और हो सकता है, y एक्सिस पे कुछ और हो सकता है, बट बोथ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन ऑन द वन सेम एक्सिस पे डिफरेंस शुड बी द सेम. अगर ऊपर 5 5 का है तो नीचे भी 5 5 का, अगर ऊपर 2 2 का है नीचे भी 2 2 का. ऐसे नहीं कि हर एक स्केल पे अलग अलग ले रही हूँ, ज्यादा जरूरत पड़ती है ना ही करना होता है. एम आई क्लियर? तो लेट्स प्लॉट द ग्राफ फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ वी कैन सी आर एक्स वैल्यूज गोइंग टिल माइनस 2. सो 1 2 3 minus 1, minus 2. And the y value is going positive 8, negative minus 7. So, itna to hum kar hi sakte hain.
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 माइनस 8 तक लिख लो चाहे. नाउ व्हेन एक्स इज 0 वाई इज 3 दिस इज आवर पॉइंट. व्हेन एक्स इज 1 वाई इज 8 एक्स 1 वाई हमारा ये रहा 8. व्हेन एक्स इज माइनस 1 वाई इज माइनस 2 डाउनवर्ड विच वी गो. व्हेन एक्स इज माइनस 1 वाई इज माइनस 2 ये रहा पॉइंट. And when x is minus 2, y is minus 7. And you will see, you will get a straight line. Wherever you mark the points, you have to write the coordinates. Like, this is what? 0, 3. This is what? 1, 8. Like this. हाँ जी बेटा, एनी डाउट? किसी को कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लो. यस रिद्धिका. मैम अगर हम इसी क्वेश्चन में y को भी उधर ले जाए और वो माइनस हो जाए तो हम दो वैल्यू पुट करके ग्राफ बना सकते हैं. दोबारा बोलो, रिपीट योर क्वेश्चन. जैसे 3 + 5x था तो उधरली साइड y था तो हम इधर लेके आए तो माइनस y इज इक्वल्स टू 0 हो गया. तो हम वो वाला दो, जैसे हमने दो डिजिट्स के अंदर पुट किए एक्स और वाई की वैल्यू और फिर ग्राफ बना दिया, वैसे बन सकता है? पता नहीं आप क्या कहना क्या चाहते हो रिद्धिका बेटे. 3 + 5x कहाँ 0 पुट किया? माइनस वाई. माइनस वाई दूसरी साइड जो वाई था हम वो इधरली साइड ले और वहां पे 0 कर दिया. अच्छा करना क्यों है, करना क्यों है बेटा? वैसे उससे तो थोड़ी कॉम्प्लिकेट, उससे दो वैल्यूज आ रही है और एक सिंपल ग्राफ बन रहा है. 0 इज इक्वल टू 3 + 5x - y ऐसे. रिद्धिका ऐसे बोल रहे हो? यस मैम. हाँ तो इसमें क्या करोगे, x की वैल्यू डालोगे? ऐसे नहीं करना रिद्धिका, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी. ऐसे आपको पता क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको x और y की वो वैल्यूज डालनी पड़ेंगी जो कैलकुलेट करके 0 आए. वो तो फिर फाइंड करना बड़ा मुश्किल है कि ऐसी कौन सी वैल्यूज x की डालें y की डालें कि कैलकुलेट करके हमारे पास 0 आए. ऐसे तो सोचना मुश्किल नहीं है, बताओ? यस मैम. ऐसे नहीं करना है. आपका राइट हैंड साइड यस मैम. तो आप कौन सी वैल्यू डालोगे एक्स की और कौन सी वैल्यू डालोगे वाई की कि जीरो आता जाए? आपको तो चार वैल्यूज चाहिए एक्स की, चार वैल्यूज चाहिए वाई की. तो दिस इज नॉट द मेथड. द मेथड इज दिस ओनली कि एक वेरिएबल को एक साइड पे रखो, दूसरे वेरिएबल को दूसरे साइड पे रखो, वैल्यूज पुट करते एक की वैल्यूज पुट करते जाओ, दूसरे की वैल्यूज आती जाएंगी. ना तो मैंने ऐसे सिखाया है ना आपने ऐसे करना है, क्योंकि उससे गलती होती है. इतना नहीं, आप जो चीज सिंपली हो सकती है उसको कॉम्प्लिकेटेड तरीके से करना ही क्यों है? ठीक है, ओके मैम. हाँ, एनीवन एल्स? सेकंड पीरियड किसका बेटे आपका? को नहीं पता. चलो
Anyone having any doubt? Haridika? मैम ज्योग्राफी का है। हाँ जी बच्चे, so I hope the question is clear. This you have to do in your clear notebook. Fine. So we'll continue tomorrow. Take care.